अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लग रही होंगी। अभी तक अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ते डिफरेंट स्टाइल में, और आई होप आपको ये रेसिपी भी अच्छी लगेगी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये 1/2 kg बीफ कीमा है। मसाले जो इसमें जाएंगे, ये 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर है, 1 teaspoon नमक है, 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर है, 1/2 teaspoon चिकन पाउडर है, 1 tablespoon लाल प्याज है पकी हुई, जो प्याज लाल करते हैं वैसी, 1 tablespoon पुदीना है, 1 tablespoon धनिया है और 1 teaspoon कुटी लाल मिर्च है। एक अंडा हम इसमें ऐड करेंगे, 1 medium प्याज है जिसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस कर लिया है, 3 हरी मिर्चें उनको भी मोटा मोटा स्लाइस कर ली क्योंकि ये सब ब्लेंड होगा, 1 tablespoon ब्रेड क्रम्स हैं, 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट है और 1 tablespoon इसमें है बेसन। मसाले में सारे एक साथ डालूंगी कीमे के अंदर, ये सब चीज़ें एक साथ पहले ऐड करेंगे, इनको मिक्स करेंगे। इसको पहले मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, देन ब्लेंड करूंगी कीमे के साथ। ये आप देख सकते हैं ये मिक्सिंग इसकी अच्छी सी हो गई है। अब मैं इस मसाले को, कीमे को, सबको एक साथ ब्लेंड करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। कोफ्ते का मसाला बिल्कुल अच्छे से पीस गया, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे और आपको दिखाती हूँ, पानी वाले हाथ करने हैं बिल्कुल ऐसे। हथेलियाँ और बॉल्स बनाऊँगी अब मैं इसके। बिल्कुल स्मूथली बनाने हैं कि इसमें क्रैक्स जो है वो नज़र नहीं आए, क्योंकि अगर अभी से क्रैक्स होंगे तो जब आप कोफ्ते बनाएंगे तो वो इसमें टूट जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कहीं पे भी क्रैक्स नहीं है और बिल्कुल स्मूथली ये राउंड राउंड बना है। इसी तरह सारे बॉल्स बनाएंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। अच्छा जी, कोफ्ते मैंने बॉल्स बना के रख ली हैं, इनको फ्राई करूंगी। अब सबसे पहले आप ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। ये 2 medium प्याज है जिनको मैंने ऐसे बड़ा बड़ा स्लाइस किया है, 3 हरी मिर्चें उनको भी बड़ा बड़ा स्लाइस किया क्योंकि ये सब फ्राई होकर ब्लेंड होंगे, 3 टमाटर हैं वो भी ब्लेंड करूंगी मैं। ये मिल्क पैक क्रीम का 200 ml का पैकेट है, ये मैं 1/2 ग्रेवी में यूज़ करूँगी और 1/2 लास्ट में यूज़ करूँगी। 1/2 cup दही मैं इसमें यूज़ करूँगी, बाकी है 1 teaspoon नमक है, 1/2 teaspoon हल्दी है, 1 tablespoon लाल मिर्च है और 1 teaspoon धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, 1 teaspoon धनिया पाउडर है और 1.5 tablespoon इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक कढ़ाई ली है मैंने, उसमें ऑयल गरम किया है और अब मैं इसमें ये कोफ्ते डालूंगी फ्राई करने हैं मीडियम फ्लेम पे। 1 by 1 कोफ्ते केयरफुली आपने डालने हैं और बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई करना है क्योंकि ग्रेवी में भी ये पकेंगे। कोफ्ते फ्राई कर लिए थे, अब इसी ऑयल में मैं ये प्याज ऐड करूंगी और इसे हमने बस ट्रांसपेरेंट करना है, फ्राई करेंगे। बस हल्की सी फ्राई करनी है कि ये सॉफ्ट हो जाए। प्याज आप देख सकते हैं जिसे फ्राई हुई, अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, इन दोनों को फ्राई करेंगे। ये अब इस सबसे अच्छे से फ्राई हो रहा है, कलर इसका चेंज हो गया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 गिलास पानी। इसको मज़ीद सॉफ्ट होने के लिए मैं इसे कवर कर दूँगी। ये जो 3 टमाटर मैंने रखे थे वो बड़े बड़े कट कर ली और ये प्याज और मिर्ची जो पकी हुई थी वो मैंने इसमें डाली। अब इन सबको एक साथ ब्लेंड करेंगे। अच्छा, ये मसाला टमाटर मिर्ची और जो प्याज है वो फ्राई की जो की थी वो उसको मैंने पीस लिया है, जो ब्लेंड कर लिया है। उसी कढ़ाई में अगेन ऑयल लिया है मैंने 3 tablespoon। उस ऑयल में मैं ये गरम मसाला ऐड करूँगी जो मैं रेसिपी में बताना भूल गई थी, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी तेज़पत्ता। तेज़पत्ते की खुशबू अच्छी निकल रही है। ये डालने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक
पेस्ट ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। अब जो ये ब्लेंड करके रखा है वो मैं इसमें डाल रही हूँ, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च है। ग्रेवी पक रही है, साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी सारे मसाले। मसाले डालकर इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। दही जब भी सालन में आप यूज करें इसको अच्छे से बीट करें। ये हाफ कप दही जो मैंने बताई थी। दही डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, जो क्रीम था उसका मैंने हाफ पैकेट अभी लिया है, हाफ मैं बाद में यूज करूंगी। अच्छा, लास्ट मैंने क्रीम डाली थी, क्रीम डालने के बाद मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया है और मैंने इसमें ऐड किया है सिर्फ 1 गिलास पानी। और अब मैं इसमें जो कोफ्ते फ्राई किए थे वो मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा एक एक करके। और कोफ्ते डालने के बाद आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। अच्छा, ये कोफ्ते मैंने सारे डाल दिए, आधा किलो के रेशो में इस साइज के 17 कोफ्ते बने हैं। अभी मैंने फ्लेम हाई पर रखा है, जैसे ही इसमें बॉयल आएगा मैं फ्लेम स्लो कर दूंगी और इसे कवर कर दूंगी। ये आप देख सकते हैं इसकी थिक सी ग्रेवी रेडी हो चुकी है और कोफ्ते भी बिल्कुल सही हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्चें और अदरक। ये दो हरी मिर्चें मैंने स्लाइस करके रखी हैं, ये जूलियन कटिंग में अदरक ऐड की है। और थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगी हाफ टी स्पून जितनी कसूरी मेथी, क्रश करके आपने ऐड करनी है। ये इस तरह क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करनी है, हाफ टी स्पून जितनी है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी ग्रेवी इसकी थिक होती जाएगी। अब जो बची हुई क्रीम थी वो मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी इस तरह से। और अब मैं इसे 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल दम पे कवर कर दूँगी। देख सकते हैं माशाल्लाह से ये कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आप जब इसको बना के रखेंगे तो इसकी कुछ देर में ग्रेवी और थिक हो जाती है। तो अगर आपके गेस्ट हैं और इन्हें आना है तो आप 1 घंटा पहले इसको बना कर रख दें और जब गेस्ट आने पर दोबारा गर्म करेंगे तो इसकी ग्रेवी और थिक हो जाएगी। आई होप आपको ये डिफरेंट से कोफ्तों की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कोई और रेसिपी ऐसी जो आप देखना चाहते हैं जो हमारी प्ले लिस्ट में नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वी विल ट्राई सून। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।